आइए ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस जो हमारे बीच होती रहेंगी। जिस तरह से सर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो थोड़ा सा गर्म करने के लिए, थोड़ा सा हॉट आपके बीच शुरू होने जा रहा है एक फैशन शो, जो आपको थोड़ा सा रिलीफ जरूर देगा, मेरी उम्मीद है। बस
थोड़ी सी गर्मी लाने जा रहे हैं और परफॉर्मेंस है एक फैशन शो की, तो आइए शुरुआत करते हैं। अजीब शान शहंशाह, अजीब शान शहंशाह, परवाह।
परफॉर्मेंस। ये हमारे जो मॉडल्स थे, आप यकीन मानिए इनको ये तैयारी करने में कई दिन और कई हफ्ते भी लग जाते हैं। जब ये आपके पास 5 मिनट के लिए खाली रैंप पर आते हैं तो उसके लिए इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। आइए ऐसे कुछ परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग आगे और चलते हैं। और एक और हमारे बीच सिंगर आए हैं जो आपको एक गाना सुनाना चाह रहे हैं, जिनका नाम है कार्तिक चौधरी जी। मैं चाहूंगा कार्तिक चौधरी जी आप जो है स्टेज पर आ जाएं और अपना ऑडियो जो है हमारे जो यहाँ पे डीजे मास्टर्स हैं उनको दे दें।
Oh,
ट्रेनिंग दी है उनको मैं एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, अल्पमश और उज्जवल एंड हर्षिता जी, आपको मैं एक बार आमंत्रित करूंगा। भाई जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, बड़ी मेहनत लगती है इन सबको तैयार करने में, एक एक को ट्रेनिंग देने में और एक एक को सजाने में, तो ये सब इन्हीं के हाथों का कमाल है। ऑल ग्रुप्स कम ऑन स्टेज। मॉडल है हमारे, जिनकी वजह से सारा प्रोग्राम आज तैयार किया गया है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर ये सब प्रोग्राम होता है। आज पंकज जी भी रैंप पर जो है अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। भाई जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और इसके बाद अल्पेश जी आइए एक बार। और आखिरी में एक बार जो पूरा ग्रुप यहाँ पर था परफॉर्म कर रहा था, पूरे ग्रुप को मैं एक बार फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जो भी फैशन के यहाँ पे है। तैयारी की है हमारे अल्तमश उज्जवल और हर्षिता जी ने, बहुत मेहनत करके ये कार्य सिद्ध किया जाता है। घंटों का प्रयास और मिनटों का शो। एक बार जोरदार तालियां इन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। और यहाँ आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, हमारे आने वाले पीढ़ी के जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, फैबुलस। और ऐसे ही हमारे इंडियन कल्चर को आप प्रमोट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और सारे ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भारत के लिए, हमारे आसपास के सोसाइटी के लिए, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही उत्सव मनाते रहिए। वंदे मातरम। हेलो, चलो कहते हैं ओके। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम करी, अच्छा लगा। स्पेशली आप मिस्टर पंकज, मिस्टर भूषण, आप सब लोगों ने एंड वी एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब हमारे बीच में अमित अरोड़ा जी एक अच्छा सा गाना प्रस्तुत करने। हाँ, जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा फिरकना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, कर सकते हैं और स्टेज पे आ सकते हैं। ओ हे हे हा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, दिल्ली जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया
रत्नों की रानी कब आएगी तू, आई रत्न रानी कब आएगी तू, दिखी जाए रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जो भी परफॉर्मेंस यहाँ हो रही है सबसे ध्यान रख सकते हैं, बाइक पढ़ाओ बाइक। बाहरों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है गीत, पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जाए रानी कब आएगी तू, चलिया और हम नाचे बिन घुंघरू के, पग रूपाना मीरा नाची, ओ तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके 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 रे रे, पग रूपाना मीरा नाची, पग रूपाना मीरा नाची, नाची सी नाची रानी नाची सी, हा भाई यहाँ पे छोटे लोग देख रहे हैं और खड़े ना रहे, प्लीज सबसे गुजारिश करूंगा बीच में आ जाए। जिंदगी में एक सफर है सुहाना, यहाँ गलियां हो गाना, जिंदगी में एक सफर है सुहाना, यहाँ गलियां हो उसमें जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ गलियां हो उसमें जाना, रहता है।
आकर चली गई, बादल भी बरस कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये उखड़ा रहता है। So thank you very much. This is Amit Arora.